अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खान, मैक इनोवेशन से आपका टीचर। और आज हम फोटोशॉप पर पढ़ेंगे एक्शन, कि फोटोशॉप में एक्शन का ऑप्शन क्या काम करता है। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, इसको मैं एक फोल्डर में डाल देता हूँ। इस पिक्चर का नाम हम फोल्डर का नाम कर देते हैं 001। इमेज साइज, मैं कैसे बोलता हूँ, एक्शन कुछ बाय डिफॉल्ट भी इसके एक्शन है, लेकिन एक्शन बनते कैसे कैसे काम करते हैं, आज हम इस पर काम करेंगे, इस पर बात करेंगे। पीक मेजर, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, ये हाई रेजोल्यूशन। अगर मुझे, मैंने पिक्चर शूट करी है बहुत सारी, 20, 30, 40, 50 बहुत सारी पिक्चर्स अगर मैंने शूट की हैं और मुझे उनको साइज छोटा करना है, तो वैसे ही अगर मैं मैनुअली करता हूँ, रिजनेबल पे चेक लगाना ज़रूरी है। अब मैं इसके ऊपर करूँगा 10 या 12, वट एवर जो भी मुझे साइज फिट करना है, और मैंने रिजोल्यूशन कर दी 150। लेट्स सपोज अगर मुझे 50 पिक्चर हो, 100 पिक्चर, तो इसमें मुझे काफ़ी सारा टाइम लग सकता है और कुछ गलती भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि मैं सब जगह पे सही फिगर लिख रहा हूँ, कहीं हो सकता है मैं 12 या 14, 15 कुछ भी लिख दूँ। तो बेहतर ये है कि मैं एक ऐसा एक एक्शन बना लूँ जो सिर्फ और सिर्फ मैं प्ले करूँ और तमाम तस्वीर ऑटोमेटिक छोटी होती चले जाए, एक साइज पर आ जाए, या मोरलेस मुझे जितनी कंप्रेस करें उस साइज पर आ जाए, या उनकी रेजोल्यूशन कम हो जाए और वो एक फोल्डर में सेव हो जाए। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यह रखिएगा, लास्ट शेप तक पहुँचने के लिए आपको 50 दफा अंडू करने से होती है, रिवर्ट से भी काम हो सकता है, रिवर्ट का ऑप्शन होता है। इसलिए मैं एक फोल्डर लूंगा एक्शन क्लास, यहां से यहां देखें, रिसाइक्लिंग के बराबर में एक ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करूंगा, एक्शन आ गया। बाय डिफॉल्ट कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, आप रहने दें कि मुझे इसी सेट में करना है। वो पूछता है सेट नहीं, मैंने अपने वाले फोल्डर में रखना है। इस पर फंक्शन वगैरह अभी कुछ नहीं, कलर्स मर्जी है, मैं इसको कलर करना चाहूँ, इस एक्शन को कलर कर दूँ, नन भी सही है। और यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन रिकॉर्ड, मैं इसको रिकॉर्ड कर दूँगा, ठीक। यहां से अब रेड बटन ऑन हो गया, एक्शन स्टार्ट है। अब मैं साइज छोटा करूंगा, कंप्लीटिफाई इमेज साइज को, इस पैनल के लिए आप इमेज में जाके भी ले सकते हैं। मैंने इसको कर दिया 12, रेजोल्यूशन 15 हो जाएगी, 150 कर दूंगा, ओके। अब इसको मैं सेव कराऊंगा किसी फोल्डर में, कंट्रोल शिफ्ट एस शॉर्ट की है सेव कराने की, इमेज साइज, इमेज नाम वही है, सब कुछ सही है, सेव, ओके। क्वालिटी क्रिएट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ जो मैंने ये ऑप्शन ट्राई किया, अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन रोकना है, तो मैं इसके बराबर जो बटन है इसको प्रेस करूँगा, स्टॉप, यानी मैंने इसे रोक दिया। कंटिन्यू करना है, इसको मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा, इस फाइल को बंद कर दूंगा, क्लोज। अब रोक दूँ, क्यों? एक्शन को मैंने रोक किसने दिखाया कि हम रोक भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, किस तरह से आपको बता दें। अभी एक इमेज एक छोटी हुई है, अब मैं दूसरी या और कुछ इमेजेस खोलता हूँ, ओपन। एक्शन में गया, मैं सिर्फ प्ले करूंगा, इस फोल्डर में एक्शन के बाद जब मैंने प्ले किया तो ऑटोमेटिक की सारी इस फोल्डर में सेव हो गई, साइज भी वही आ गया,
इनका साइज भी कम हो गया और सारी के सारे पिक्चर्स मार गए। तीन पिक्चर रह गई, मैं इनको भी खोलता हूँ पर इनका भी एक्शन प्ले करूँगा। चेक करता हूँ अपने फोल्डर में, इनका भी साइज छोटा हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आई एम एस साइज चेक करने के लिए, इनका भी वही साइज आ गया जो लगाया था। बहुत छोटी चीज़ है मगर आपका कई घंटों काम ये मिनटों में कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इस तरह की चीज़ों की आप प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, आज की क्लास से ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।